नीचे कर लो, थोड़ा नीचे करिए, आईडी चेहरा छू रहा है, आप चेहरा ठीक है जी। सांसद जी आज नामांकन के क्या कहना चाहेंगे? देखिए माँ का आशीर्वाद और बांसगांव संसदीय क्षेत्र के एक एक नागरिक का आशीर्वाद लेके आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आज मैंने नामांकन दाखिल किया। और मैं ये कह सकता हूँ अपने जनता के बीच में कि पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अच्छे से हम लोग उसको पूरा करने का काम किया। जितने भी बड़े मुद्दे थे हमारे क्षेत्र की, चाहे वो सजनवा धोरी घाट हो, चाहे NH-29 हो, क्षेत्र में उद्योग लगाने की बात हो, पुल की बात हो, राम जानकी मार्ग की बात हो, ऐसे तमाम जो बड़े मुद्दे हमारे बांसगांव संसदीय क्षेत्र के थे, उस पर हम लोग ने 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। काफ़ी काम हमारे हो गए हैं, कुछ बाकी हैं जो आने वाले समय में उसको हम लोग। थैंक यू। जनता का विरोध, जनता का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार स्थानीय स्तर पे काम करने पे ये पता चला कि लोग मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को देख के वोट नहीं कर रहे हैं। देखिए लगातार 15 साल किसी क्षेत्र में आप काम करिए तो कहीं कुछ छुटपुट लोग होता है, लेकिन जहाँ जो आरोप आप लगा रहे हैं कि जनता मेरा, मुझे बोले आप बोले या तो मुझे बोले, हाँ तो वही मैं जवाब दूँ ना। जो आपने कहा है और कुछ दिन पहले जो टीवी में आई है उसकी बात को लेकर आप कर रहे हैं, खास ग्राम सभा को लेकर, तो इससे पहले भी वहाँ पर मेरे खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था, कुछ खास लोग हैं वहाँ पर। संत जी आपके विपक्ष के प्रत्याशी अभी सदर प्रसाद आए, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है, आप किन्हीं 5 उद्योगों को जिन्होंने जिसको आपने स्थापित किया है बांसगांव में उसका नाम बता दीजिए, उद्योग उनका आरोप। उनको एक अच्छा चश्मा हम उनको भेंट करते हैं, और चिल्लूपार विधानसभा में एथनॉल 1200 करोड़ रुपये का एथनॉल प्लांट का स्थापना हुआ है, उसरा में करीब 500 करोड़ रुपये की फैक्ट्री लगी है, फिर हमारा राम जानकी मार्ग जो आस्था का सड़क है, हजारों की संख्या में लोग चलते हैं, उसका निर्माण हो रहा है। बांसगांव से कोड़ीराम, बांसगांव से गोला, NH-29, कपरवार घाट की सड़क, ऐसे तमाम सजनवा से दोरी निर्माण। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।